पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जदयू में अगर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगदड़ जैसी स्थितियां मच गई हैं। लगातार कई जाति के नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं, कई बड़े नेता भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। वो जदयू छोड़ करके अब या तो भारतीय जनता पार्टी में है या फिर वो अपने लिए एक नई रास्ते जो है वो बना रहे हैं। इस कड़ी में जहां एक तरफ जदयू पर लगातार आरोप लगते रहता है कि जदयू कई दलों में कई खेमों में बंट चुका है, आरोप ललन सिंह पर भी लगते हैं कि ललन सिंह जिस तरीके से चाहे छोटे कार्यकर्ता हों या फिर बड़े नेता हों उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान जदयू के लोग होते हैं। अब ऐसे में एक एक करके उनका पार्टी धीरे धीरे टूटता रहा है। नीतीश कुमार इस पार्टी को बचाएंगे या फिर नहीं बचाएंगे? हालांकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, 25 के विधानसभा चुनाव के ठीक शुरू होने से पहले जो स्थितियां अभी मची हुई हैं उसमें एक बार फिर से जदयू में बड़ी भगदड़ हो गई है और जदयू से जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक बार फिर से जदयू से परेशान होकर एक जो नेता कह सकते हैं जदयू के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सम्राट चौधरी ने उनको सदस्यता दिला दी है। कौन है वो, आइए जानते हैं। आज आप बीजेपी में शामिल हुए, जदयू को छोड़कर क्यों? हम जदयू में थे ही नहीं, हम पहले से ही बीजेपी के विचारधारा को फॉलो करते हैं और उसी विचारधारा से हम हैं और इसीलिए हम बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है। और हम लोग कुशवाहा समाज के जितने भी लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो हम लोग हर सीट पे एक एक फैक्टर के माने जाते हैं, जिससे हम नीतीश कुमार के हर बार मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किए हैं और हर बार मुख्यमंत्री हमको ठगने का प्रयास किए हैं। इस बार हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे और पूर्ण बहुमत से 24 और 25 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब हम लोग तो आंकड़ा तो दिखेगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सांसद 16 सांसद हैं, भाजपा के पास 17 सांसद हैं और आने वाले दिनों में अगर लोकसभा का चुनाव होता है 24 में, तो 24 में चुनाव होगा तो हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पे बिहार में 40 के 40 सीटें हम जीतें और इसके लिए हम पूरे कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा समाज, सब समाज मिलकर इस कार्य के लिए संगठन बना के कार्य करेंगे और हाथों को मजबूत करेंगे। जेडीयू में कहाँ कुशवाहा बचा हुआ है कुशवाहा समाज? हम लोग तो दो बार तीन बार उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, कुशवाहा समाज तीन बार मुख्यमंत्री बनाया हुआ, हर बार हम लोग को ठगने का प्रयास किए हैं नीतीश कुमार और इस बार कुशवाहा समाज ने यह ठाना है कि हम लोग भाजपा के साथ जाएंगे और भाजपा को ही इस बार वोट करके और भाजपा के जो भी उम्मीदवार अगर भाजपा फाइनल करती है सीएम पद के लिए उनको हम इस बार कुर्सी पर बैठाने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है जेडीयू समाप्ति के कगार पे है? वो एक नाव है जो किनारा आ चुकी है और डूबने वाली है, तो उस डूबने वाली नाव का कोई सवारी नहीं करता, इसलिए सब लोग उस नाव से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।